हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है और हम इससे क्या ज्ञात करते हैं? तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किरण की चाल दूसरे माध्यम में पहले माध्यम की तुलना में कितना गुना बढ़ गई या घट गई। कौन से वाले माध्यम में घटी या बढ़ी? दूसरे वाले, ध्यान रखना। कौन से वाले माध्यम में बढ़ेगी या घटेगी? दूसरे वाले माध्यम। और आप इस बात को भी नोट करें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो आप अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही ज्ञात होता है। जैसे आप मान के चलिए, जैसे कोई प्रकाश किरण जल से चल करके कांच में प्रवेश करी। किसमें प्रवेश करी? जल से कांच में। तो किसका अपवर्तनांक निकलेगा? अपवर्तनांक किसका आएगा? कांच का। किसके सापेक्ष आएगा? जल के सापेक्ष। किसका आएगा? कांच का। जैसे कांच से चल के किसमें प्रवेश कर रही है? जल में। तो ध्यान दें, आप किसमें प्रवेश कर रही है? जल में। तो यहां पे दूसरा माध्यम कौन हो गया? जल। पहला माध्यम कौन हो गया? कांच। तो अपवर्तनांक किसका आएगा? जल का। किसके सापेक्ष आएगा? कांच के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आएगा? कांच के सापेक्ष। क्लियर? तो अपवर्तनांक से आपको क्या पता चलता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण की चाल पहले माध्यम की तुलना में कितना गुना बढ़ी या घटी। साथ ही साथ आप ये बात भी याद रखें कि हमेशा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आएगा। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे अपवर्तनांक की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने बात करी थी कि जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में उसकी चाल कितना गुना बढ़ी या घटी। तो हम यहाँ पे किसका अनुपात देख रहे हैं? क्या बोला था मैंने कि प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में कितना गुना बढ़ी या घटी। तो हम क्या देख रहे हैं? चालों का अनुपात देख रहे हैं। तो अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होती है उसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, क्या किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर? क्या किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक को आप क्या लिख सकते हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या कह रहे हैं? किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, तो अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब हम मान लें क्या यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर v1, ठीक है, और
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर v2, तब क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक बराबर, देखो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है v2, ये हो गया आपका अपवर्तनांक का सूत्र। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक हमेशा उस माध्यम का निकलता है जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, और प्रकाश की किरण सदैव कौन से वाले माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम का क्या निकलेगा अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष निकलेगा पहले का। जैसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं अपवर्तनांक एन टू वन। अब देखो अपवर्तनांक को हम स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं, म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अपवर्तनांक को लिखने का तरीका बताया था कैसे, देखो एन के पास आपने क्या लिखा दो, तो होगी ये अपवर्तनांक कौन से माध्यम के सापेक्ष हो गया, सॉरी एन के पास आपने क्या लिखा दो, तो ये किस माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, दूसरे का कि पहले का, तो भाई एन के पास में क्या लिखा है दो, तो ये हो गया दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एन के पास दो लिखा है तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक हो गया दूसरे के, और दो के पास कौन लिखा है एक, तो किसके सापेक्ष हो गया एक के, तो एन टू वन का मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो एन टू वन बराबर क्या हो गया बी वन अपॉन बी टू। और आपको मैंने कल बताया भी था चूंकि एन टू वन बराबर क्या होता है एन टू बटा एन वन, इसलिए अपन इसे क्या लिख सकते हैं एन टू बट्टे एन वन बराबर वी वन बट्टा वी टू, क्लियर। या इसे हम थोड़ा और ढंग से लिखने क्या लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू बराबर एन टू बट्टे एन वन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आगे आप ध्यान दें कि यहां से यहां पे क्या लिखा हुआ है V1 बट्टा V2 बराबर N2 बट्टा N1, तो V1 क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, V2 क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, N2 क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 क्या है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ध्यान देंगे यहाँ अंश में क्या है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ अंश में क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और यहाँ दूसरे माध्यम में सॉरी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान दें यहाँ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और यहाँ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, कहने का मतलब जो ये पद हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कैसे हैं व्युत्क्रमानुपाती, नीचे देखना चाहे हर में देखना चाहे तो भी देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और यहाँ क्या लिखा है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, कहने का मतलब ये जो LHS और RHS के पद हैं वो एक दूसरे के डायप्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन N। अब यहां से एक बात और निकल के आई कि जो ये प्रकाश की चाल V है वो N के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगी, अपवर्तनांक घटेगा तो चाल बढ़ेगी। अपवर्तनांक किसका अधिक होता है सघन माध्यम का, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्लियर। अब आगे हम देखना चाहें, अभी तो हमने माध्यम को पहला माध्यम और दूसरा माध्यम लिया इस प्रकार से, अगर हम ऐसा न लेना चाहें तो ऐसे ले लें कि यदि प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करे, यदि प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करे तब अपवर्तनांक को आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान दो, तब आप अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना आप। यहां देखो प्रकाश जल से किसमें जा रहा है, ध्यान दो प्रकाश जल से किसमें जा रहा है बताओ,
प्रकाश जल से किसमें जा रहा है बताओ, कांच में जा रहा है नहीं जा रहा? प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, प्रकाश जल से कांच में जा रहा है, तो दूसरा माध्यम कौन हो गया? कांच। और पहला माध्यम कौन हो जाएगा? जल। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा? कांच का, क्योंकि कांच में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, अर्थात ये दूसरा माध्यम है। तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? कांच का। कांच को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास, तो एनजी किसके सापेक्ष निकलेगा? जल के। तो क्या हो जाएगा? एनजी डब्ल्यू। ठीक है, एनजी डब्ल्यू। ऊपर क्या होते हैं? ऊपर क्या, इधर क्या होता है अंश में? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे पहला माध्यम कौन है? जल। तो क्या लिखेंगे? V सफिक्स में W बट्टा V सफिक्स में G। क्लियर। इसी प्रकार आप अन्य माध्यमों के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता यानी कि अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है, इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति। सेकंड, माध्यम के ताप। और थर्ड, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी कि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? माध्यम की प्रकृति पे। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो उस माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करेगा, माध्यम के ताप पर। और थर्ड आपका है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर। दूसरा बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? एक ही माध्यम का अपवर्तनांक, एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। क्लियर, एक ही माध्यम का अपवर्तनांक, ध्यान देना एक ही माध्यम का अपवर्तनांक है, लेकिन बदल क्या रहा है? अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, यानी माध्यम एक ही है, लेकिन अगर आपने प्रकाश का रंग बदल दिया तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बदल जाएगा। क्लियर, एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। जैसे बैंगनी, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कैसा होगा? सर्वाधिक होता है। दूसरी बात, लाल रंग के प्रकाश के लिए कैसा होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कैसा होता है? सर्वाधिक। और लाल रंग के प्रकाश के लिए कैसा होता है? न्यूनतम। अर्थात कहने का मतलब है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कैसा हो गया? सर्वाधिक। अपवर्तनांक सर्वाधिक है तो चाल कैसी होगी? न्यूनतम। और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कैसा है? न्यूनतम। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए चाल कैसी होगी? अधिकतम। कहने का मतलब एक ही माध्यम में लाल रंग की प्रकाश की चाल कैसी होगी? अधिकतम। और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कैसी होगी? न्यूनतम होगी। समझ रहे ना, माध्यम एक ही है लेकिन आपने अलग अलग रंग का प्रकाश उस पर डाल दिया तो उस प्रकाश की चाल
अलग अलग आएंगी। जैसे आपने एक बैंगनी रंग का प्रकाश डाला और एक लाल रंग का प्रकाश डाला किसी माध्यम पर, तो चार्ज सर्वाधिक किसकी आएगी? लाल रंग की, क्योंकि इसके लिए अपवर्तनांक उस माध्यम का कैसा होगा? न्यूनतम। और चार्ज कम किसकी आएगी? बैंगनी रंग की, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। आप देखते हैं कि जब आप प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश डालते हैं तो श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं, तो लाल रंग का प्रकाश की चाल उसमें कैसी हो जाती है? सर्वाधिक। और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल उसमें कैसी हो जाती है? न्यूनतम। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में बैंगनी, जामुनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। तो अगर आपने कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का, सूर्य का श्वेत प्रकाश डाला, तो चाल सर्वाधिक किसकी रहेगी? कौन से रंग की? लाल रंग की। और कम किसकी रहेगी? बैंगनी रंग की, क्योंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कैसा है? न्यूनतम। और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कैसा है? सर्वाधिक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।